दिल्ली में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, दिल्ली आईजी एयरपोर्ट पर मिला संदिग्ध बैग। T3 के अराइवल के गेट नंबर 2 के पास रखा था बैग, कुर्सी के नीचे मिला लावारिस। खबर मिलते ही हरकत में आई पुलिस, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। रात 1 बजे संदिग्ध बैग होने की मिली खबर, CISF ने स्थानीय पुलिस को दी खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकियों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग, 1 गाड़ी स्थानीय बीजेपी नेता की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है आज, 81 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार 5 चरणों में डाले गए थे वोट। महाराष्ट्र में चढ़े CIC पारे के बीच, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा शिवसेना का IPM CM होगा। राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा तो मैं मानता हूं, आप लिख कर लीजिए मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। महाराष्ट्र के CM की कुर्सी की खींचतान में NCP के एंट्री, नवाब मलिक ने कहा अगर बीजेपी शिवसेना बहुमत साबित नहीं कर सकी तो हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के हुसैन दलवी का बयान, अगर शिवसेना प्रस्ताव लेकर आए तो कांग्रेस करे विचार। व्हाट्सएप जासूसी विवाद पर राहुल गांधी का सरकार पर तंज, ट्वीट कर कहा व्हाट्सएप से सरकार से पूछना ऐसा ही जैसे दसॉल्ट से पूछना कि रफेल डील पर किसने कमाए पैसे। व्हाट्सएप जासूसी पर गृह मंत्रालय ने जारी की सफाई, सरकार पर निष्ठा के हनन की का आरोप, छवि धूमिल करने की कोशिश। जासूसी विवाद पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से मांगा जवाब, 4 नवंबर तक जवाब देने की मोहलत। व्हाट्सएप का इजरायली कंपनी NSO पर आरोप, व्हाट्सएप के जरिए भारत में करीब 1400 पत्रकारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का आरोप। NSO पर पेगासस मैलवेयर से जासूसी का आरोप, व्हाट्सएप के कैलिफोर्निया की अदालत में दर्ज कराया मुकदमा। बिहार विधानसभा में लगे अल्लाह अकबर के नारे, AIADMK के विधायक कमरूल हौदा के शपथ के दौरान लगे नारे। कि किशनगंज में मजलिस का एंट्री बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के एकता के लिए काम करेगी। दिल्ली में RSS की 2 दिनों की बैठक खत्म, पूरे देश में NRC लागू करने की उठी मांग। नागा समझौते को लेकर चल रही अटकलों पर सरकार की सफाई का, हवाओं पर ना दे ध्यान, समझौते से पहले सभी स्टेक होल्डर से होगी बात। चंडीगढ़ में हरियाणा विधायक दल की बैठक, विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी कांग्रेस, देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 24 IPS अफसरों के तबादले। दिल्ली में भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार, उपराज्यपाल ने 108 अधिकारियों को समय से पहले किया रिटायर। भावी चीफ जस्टिस अरविंद बोबडे ने अयोध्या मामले को बताया कानूनी, आज तक से खास बातचीत में बोले फैसले को लेकर नहीं है कोई दबाव। अयोध्या विवाद पर बोले जस्टिस बोबडे का, आस्था के नजरिए से नहीं ठोस सबूतों पर होगा फैसला। अयोध्या विवाद के फैसले के मद्देनजर अलीगढ़ में शांति कमेटी की बैठक, अमन और भाईचारा बनाए रखने के प्रशासन ने लिए कसी कमर। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेरा बाबा नानक दौरा करतारपुर कॉरिडोर की आखिरी तैयारियों को जायजा लिया। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के खिलाफ आम आदमी का प्रदर्शन, दोनों सूबे की सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल। मथुरा के बरसाना में एक गौशाला में डटे हैं तेज प्रताप यादव, मान मंदिर में कर रहे हैं पूजा अर्चना। हरिद्वार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या में नया खुलासा, जांच एजेंसियों को प्रमोद नामक शख्स की तलाश। सूत्रों की खबर, हत्या में प्रमोद कोड वर्ड का इस्तेमाल हुआ, अंडरवर्ल्ड से हो सकता है प्रमोद। कमलेश तिवारी मर्डर केस में पुलिस को एक और कामयाबी, बरेली से एक शख्स को गिरफ्तार किया। बरेली के कान्हा ओपन में व्यवस्था की खुली पोल, अब 100 से ज्यादा गायों की मौत। बांदा के सरकारी कान्हा गौशाला का भी बुरा हाल, 3 दिनों में 13 गायों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने PMC बैंक घोटाले को लेकर केंद्र और RBI को नोटिस, 22 जनवरी को अगली सुनवाई। श्रीनगर में आज भी जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक, बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के भिंडी बाजार में एक इमारत में लगी आग। ओडिशा के CM नवीन पटनायक की जनसंपर्क पदयात्रा, बड़ी तादाद में शामिल लोग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कांतिलाल भूरिया ने ली शपथ, उपचुनाव में झाबुआ से जीते। झाबुआ में गांधी संकल्प यात्रा के दौरान घोड़े पर दिखे बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर। जम्मू कश्मीर में BDC सदस्यों का शपथ ग्रहण, रजौरी में 19 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने ली शपथ। पुणे शहर को खूबसूरत बनाने की नगर निगम की कनों की कोशिश, स्वच्छता अभियान के तहत NGO की मदद से शहर भर की दीवारों पर की गई पेंटिंग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश घायल।
गाजियाबाद में बदमाशों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में मुठभेड़ में 25,000 के दो अनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले चार लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2.5 क्विंटल मीट के साथ 47,000 रुपये की नकदी बरामद। प्रयागराज में साथी की हत्या पर भड़के वकील, कल पूरी तरह बंद रही जिला कचहरी। यूपी के बस्ती में बीते चार दिनों में हुई 8 हत्याओं से इलाके में सनसनी। योगी सरकार के बढ़ते गुंडे राज से लोगों में खौफ। मेरठ में हर्ष फायरिंग के दौरान एक फौजी को लगी गोली, मौके पर फौजी ने तोड़ा दम, घर में वसला मातम। राजस्थान के कोटा में घर से मिला बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव, मृतका की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में 1 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, घर में काम करने वाले मिस्त्री पर परिजनों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। यूपी के रामपुर में एंटी करप्शन टीम ने जल निगम के जेई को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एमपी के सागर में दंगा और पुलिस से मारपीट करने के आरोप में जिला कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई 10-10 साल की सजा। झांसी के शिवाजी नगर इलाके में चोरों ने उड़ाई फॉर्चूनर कार, सीसीटीवी में कैद वारदात। संगरूर में पराली की आग में गिरे 5 लोग, 3 बच्चे और 1 महिला की हालत गंभीर। कर्ज से तंग आकर पंजाब के मनसा में 2 किसानों ने की आत्महत्या, लोगों ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में एडवोकेट मिताली घोष की हत्या से भड़का गुस्सा, बार एसोसिएशन ने मौन जुलूस निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में मां ने 2 मासूमों के साथ की खुदकुशी, भाई दूज पर मायके न जाने पर हुआ था झगड़ा। असम के कोकराझार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनडीएफबी की 2 उग्रवादी ढेर। असम के सिलचर में मां काली की शोभा यात्रा के दौरान हादसा, 2 लोगों की मौत पर हंगामा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मुर्शिदाबाद के 5 मजदूरों की हत्या पर वर्धमान में टीएमसी ने निकाला विरोध जुलूस। देहरादून में जहरीली शराब से मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब। मेवात में झाड़ फूंक के बहाने विवाहिता से गैंगरेप का आरोप, रेप से पहले पति पत्नी को आरोपियों ने दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर किया बेहोश। कौशाम्बी में 7 दिनों में भुखमरी झेल रहे परिवार पर के हालात पर पड़ोसी के ट्वीट से सरकारी महकमे में हड़कंप। सीहोर भोपाल हाईवे पर बने फंदा टोल नाके पर युवकों का बवाल। पराली जलाने के खिलाफ सिरसा में जिला प्रशासन की कार्रवाई, 100 से ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव, 2 घंटों के भीतर 2 वारदात में एक की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। नहाय खाए के साथ छठ पूजा पर्व की शुरुआत, पटना में छठ महापर्व की पूरी तैयारी। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी स्टेडियम में छठ पूजा की धूम शुरू, पहले दिन माननीय अवस्थी ने पेश किया कार्यक्रम। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में भी छठ महोत्सव शुरू, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति से किया मंत्रमुग्ध। दिल्ली के द्वारका में छठ पूजा की बड़ी तैयारी, ई रिक्शा से घाटों तक पहुंचेंगे लोग श्रद्धालु। वाराणसी में तर्ज की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय में गंगा आरती, महाआरती के लिए वाराणसी से आए थे पंडित। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने घाटों पर लिया छठ पूजा की तैयारी का जायजा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी दिखने लगा है छठ का असर, मुसाफिरों को LED स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है भोजपुरी कार्यक्रम। वाराणसी में परंपरागत नाग नथैया लीला संपन्न, करीब 452 साल पुरानी लीला को देखने में बड़ी तादाद में उमड़े लोग। बेल्जियम के सबसे बड़े चिड़ियाघर में हेलोवीन उत्सव। ब्रिटिश संसद से भारतीय मूल के सांसद कीथ वाज 6 महीने के लिए सस्पेंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने PMC बैंक घोटाले को लेकर केंद्र और RBI को नोटिस, 22 जनवरी को अगली सुनवाई। श्रीनगर में आज भी जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक, बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के भिंडी बाजार में एक इमारत में लगी आग, 10 बाइक और 2 गाड़ियां खाक। बागपत में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल में खुली पुलिस की पोल, पुलिस वाले पैलेट गन और स्मोक गन से नहीं कर पाए फायर। दिल्ली में ऑड इवन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस। अचक से खास बातचीत में रोहित शर्मा ने खोला टेस्ट में कामयाबी का राज, कहा पहले दबा रहा था स्वाभाविक खेल। रोहित को भरोसा, पिंक बॉल से टेस्ट क्रिकेट खेलने में नहीं होगी टीम इंडिया को कोई भी परेशानी।
अनुष्का शर्मा के पलटवार के बाद पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने दी सफाई, कहा अनुष्का मेरे लिए बेटी की तरह, मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। दिल्ली में प्रदूषित हवा की वजह से बांग्लादेश की टीम ने की मास्क पहनकर प्रैक्टिस, नहीं की कोई शिकायत। कोटला से T20 मैच हटाए जाने की मांगों पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, कहा इस बार नहीं हटाया जाएगा मैच।